नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जगदीशपुर पुलिस ने गैर जनपद के 20,000 की इनामी बदमाश को कोतवाली क्षेत्र देवकली चौराहे के पास से अभियुक्त खुशियाल निषाद को लूट के 2500 रुपए, एक अवैध तमंचा, दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक अमेठी ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के आदेशानुसार जगदीशपुर कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तारी अभियान चलाकर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। हुआ था 21/20 जो रोड होल्डर के साथ डकैती का मुकदमा लिखा गया था, और साथ ही एक और मुकदमा लिखा गया था अटेम्प्ट टू मर्डर का 40/20। उसी में रायबरेली से ये 20,000 रुपये का इनामिया है जिसका नाम है खुशियाल निषाद, जिसको आज जगदीशपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। और ये मूलतः अयोध्या का रहने वाला है। ये टोटल 8 लोगों का गैंग है जो रोड होल्डअप करके डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, और जिस गाड़ी से इन लोग घटना को अंजाम देते हैं TUV, और उसके साथ एक अवैध तमंचा और 1200 रुपए के साथ इसकी रिकवरी हुई है। गाड़ी भी हम लोगों ने सीज कर ली है। ये टोटल 8 लोगों में से 2 लोग जो है आशीष तिवारी और अमर बहादुर निषाद, इन दोनों को ऑलरेडी रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आज खुशियाल निषाद को जगदीशपुर अमेठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? इसके ऊपर कुल लगभग 21 मुकदमे हैं, जिसमें गंभीर चोटों के मुकदमों के साथ साथ प्रॉपर्टी क्राइम के भी कई मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं, और ये अंतर जनपदीय गैंग है, और इस गैंग के अन्य लोगों की भी शिनाख्त हो गई है, और जल्दी उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अमेठी जनपद में हमें गोपनीय जानकारी हुई थी कि यहाँ पर इन लोगों को देखा गया है, और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और हाईवे गश्त को उसके बाद बढ़ाया गया और उसको और सक्रिय किया गया, जिसी के फल स्वरूप आज ये रायबरेली का 20,000 इनामी हमें गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश अमेठी से ब्यूरो चीफ राम धीरज यादव के साथ जिला संवाददाता उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।